In this video, I'm going to discuss the most important multiple choice questions about glycogenesis and glycogenolysis. This video is very important for all competitive exams of biology. लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज नॉन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर, मसल्स, किडनी, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन लीवर एंड मसल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, द एंजाइम्स विच कन्वर्ट द ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इन मसल इज ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फेटेजेज, फॉस्फोग्लूकोनेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इन केस ऑफ मसल, वाइल द ग्लूकोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट द ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इन लीवर। क्वेश्चन नंबर फोर, द एंजाइम कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इंटू ग्लूकोज वन फॉस्फेट इज फॉस्फोग्लूकोनेट, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, कन्वर्टेज, पाइरोफॉस्फोरिलेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इज द एंजाइम दैट कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इंटू ग्लूकोज वन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर फाइव, द प्राइमर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस इज डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, फॉस्फेट प्राइमर, ग्लाइकोजन प्राइमर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ ग्लाइकोजन प्राइमर इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर एंड मसल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूडीपी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज इज फॉर्म व्हेन ग्लूकोज वन फॉस्फेट कंबाइंस विद एटीपी, एडीपी, यूटीपी, सीटीपी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज वन फॉस्फेट कंबाइंस विद यूटीपी मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पेसिफिक प्रोटीन विच एक्सेप्ट द ग्लूकोज फ्रॉम द यूडीपी ग्लूकोज इज ग्लाइकोजिनिन, सिग्मा प्रोटीन, कैडहेरिन प्रोटीन, सेलेक्टिन प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेसिफिक प्रोटीन दै विच एक्सेप्ट द ग्लूकोज फ्राम द यू डी पी ग्लूकोज इज ग्लाइकोजिनिन एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द प्राइमर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर एट, ग्लाइकोजिन सिंथेस कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन फोर लिंकेज, अल्फा वन सिक्स लिंकेज, बीटा वन फोर लिंकेज, बीटा वन सिक्स लिंकेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लाइकोजिन सिंथेस कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन फोर लिंकेज बिटवीन यू डी पी ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजिन एंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, एंजाइम विच कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन सिक्स लिंकेज इज फॉस्फोग्लूकोनेट, ग्लूकोसाइल फोर सिक्स ट्रांसफिरेज, ग्लाइकोजिन सिंथेस, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूकोसाइल फोर सिक्स ट्रांसफरेज इज द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन सिक्स लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
और इसके अलावा अगर आपने बायोकेमिस्ट्री ए की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो अभी बायोकेमिस्ट्री ए की प्लेलिस्ट विजिट करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रांचिंग एंजाइम यूज ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस इज फॉस्फोग्लूकोनेट, ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज इज अ ब्रांचिंग एंजाइम दैट इज यूज ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। क्वेश्चन 11, Which of the following is inhibitor of enzyme glycogen synthase? Cortisol, glucagon, phosphorylase, slow growth. So correct answer is option C, phosphorylase is a inhibitor molecule of enzyme glycogen synthase, which is responsible for glycogen synthesis. Question number 12. Breakdown of glycogen into glucose is called gluconeogenesis, glycolysis, glycogenesis, glycogenolysis. So correct answer is option D, glycogenolysis is the breakdown of glycogen into the glucose molecule, and it also takes place in muscles and liver. Question number 13, Alpha-1-4 glycosidic linkage are cleaved by glucokinase, glycosidase, glycogen phosphorylase, glycogen synthase. So correct answer is option C, glycogen phosphorylase is the breaking enzyme that break the alpha-1-4 glycosidic linkage. Question 14, which of the following enzyme is absent in muscle? Glycogen phosphorylase, hexokinase, glucose 6-phosphatase, debranching enzyme. So correct answer is option C, glucose 6-phosphatase is an enzyme that is absent in muscle. In addition to muscle, it is also absent in brain. That's why glucose 6-phosphate it cannot be converted into free glucose in these two parts, muscle and brain. Question number 15, the enzyme which is responsible for hydrolysis of alpha-1-4 glycosidic linkage or bond present at a branching point of glycogen molecule is beta-glucosidase, alpha-glucosidase, glycosidase, phosphorylase. So correct answer is option C, glycosidase is the enzyme that is responsible for hydrolysis of alpha-1-4-1-6 glycosidic linkage. Question 16, the glycogen phosphorylase is responsible for the breakdown of glycogen into glucose, glucose 1-phosphate, glucose 6-phosphate, maltose. So correct answer is option B, glycogen phosphorylase is a enzyme that is responsible for breakdown of glycogen into glucose 1-phosphate. Question number 17, which of the following metabolite allosterically activate the glycogen phosphorylase? ATP, AMP, glucose 6-phosphate dehydrogenase, glucose 1-phosphate. So correct answer is option B, AMP is a metabolite that allosterically activate the glycogen phosphorylase enzyme. Question number 18, all enzymes are involved in glycogen synthesis except hexokinase, phosphoglucomutase, glycogen synthetase, glucose 1-phosphate uridyl transferase. So correct answer is option C, glycogen synthetase enzyme is not involved in glycogen synthesis, rather glycogen synthase enzyme is involved in glycogen synthesis. Question number 19, glucose 6-phosphatase is present only in liver, muscle, epithelial tissue, kidney. So correct answer is option A, glucose 6-phosphatase enzyme is present in liver and it converts the glucose 6-phosphate into free glucose.
क्वेश्चन 20, फॉर ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोरोनिक एसिड, पाइरूविक एसिड, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ग्लैक्टोज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल. क्वेश्चन नंबर 21, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यूज एक्सेप्ट लीवर, किडनी, ब्रेन, स्टमक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यूज बट इट इज एब्सेंट इन ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिनोवो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजिनिन, प्रोटियोग्लाइकिन, ग्लूकोजिनिन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ग्लाइकोजिनिन इज द प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिनोवो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन. तो ये थे 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी तौर पर प्रेस करें.